हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार, जो आज की वीडियो है वो अबाउट है एक अपडेट के बारे में। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ईयू ने बोला है कि 2024 के बाद से आपको टाइप सी यूज़ करना पड़ेगा हर फोन के अंदर, जो कि एप्पल बचता आ रहा था आज तक जो लाइटनिंग पोर्ट चला के। तो लाइटनिंग पोर्ट से एप्पल को बहुत फायदा होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये ऐसा पोर्ट है जो कि वो खुद मैनुफैक्चर करते हैं और खुद ही सर्टिफाई करते हैं बाकी MFI वालों को भी। तो उसमें डेफिनेटली एप्पल को बहुत फायदा होता है। एप्पल ने अपने आईपैड को टाइप सी मूव कर दिया है, अपने चार्जर जो कि MacBook के चार्जर है उसको टाइप सी मूव कर दिया है, तो आईफोन को क्यों नहीं यार। आईफोन को वो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे थे अब तक, बट अब उनको करना पड़ेगा। तो बट यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, 15 प्रो में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि 2024 लिखा है ना, तो डेफिनेटली वो 15 प्रो में नहीं करने वाले हैं। और ऑलरेडी उन्होंने काफी कुछ कर लिया होगा 15 प्रो का, तो उसमें वो जुगाड़ कर लेंगे। मेरे को लगता है 16 सीरीज से आपको देखने को मिल सकता है टाइप सी वाला आईफोन, और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार, टाइप सी वाला आईफोन जो है ना, आपको कई चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप चैनल पे पहले तो नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। एप्पल सेंट्रिक तो बहुत वीडियोज़ होती हैं, तो आपकी डेफिनेटली आपको हेल्प होगी नई नई चीज़ें जानने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ पर लोगों से कनेक्ट करता हूँ। तो यार, सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा ना, टाइप सी पोर्ट होने की वजह से तो आपको स्पीड चार्जिंग की डेफिनेटली बढ़ सकती है। यहाँ इस समय जो स्पीड आती है ना, वो 20 वॉट आती है, और 20 वॉट पर्सनली मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, और डेफिनेटली यहाँ इंक्रीज देखने को मिल सकता है अगर टाइप सी होगा तो। 120 वॉट चार्जिंग चल रही है भाई जो इसके वर्ल्ड में, क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्ल्ड में। मतलब ये मेरे पास शाओमी का फ़ोन है जिसके अंदर 120 वॉट का चार्जर है। मैं बता रहा हूँ, चार्जर ना फ़ोन से ज़्यादा भारी है, लिटरली इस लेवल पे है इसका चार्जर। तो मुझे यार पर्सनली ऐसा लगता है कि एप्पल इतना तो मतलब हो, बट कुछ तो बढ़ा दो यार, 20 वॉट तो स्लोली चार्ज हो रहा है ना, तो वो हाँ फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसफर स्पीड है ना, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, जो जनरली लाइटनिंग की नहीं है। डायरेक्टली SSDs कनेक्ट कर पाएंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएगा। देखो, एप्पल के कैमरे सबको पता है एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं, और नेक्स्ट लेवल कैमरों को अगर डेटा ट्रांसफर करना और ईजी हो जाए तो कितना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा यार। मैं पर्सनली एप्पल का फुल इकोसिस्टम इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एयर ड्रॉप यूज़ करता हूँ, और मेरे को पर्सनली एप्पल बहुत बढ़िया लगता है इस चीज़ में। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, कोई भी इस समय मैन्युफैक्चरर एकदम परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बट जो क्लोजेस्ट टू परफेक्ट, या मैं बोलूँ क्लोजेस्ट टू अच्छा है ना, वो एप्पल है, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिफाइंड देता है। ऐप ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया रहती है, कैमरा इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग स्पेशली, तो वहाँ पे एक अपर हैंड रहता है, तो मेरे को एयर ड्रॉप में मज़ा आता है। बट अगर टाइप सी आ जाएगा ना, ये दो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके टाइप सी वाले ईयरफोन लग सकते हैं, जो कि टाइप सी एक कॉमन एक्सेसरी है, प्लस चार्जिंग स्पीड बढ़ सकती है, प्लस डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ सकती है, और आप मल्टीपल अडैप्टर कनेक्टर आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ लाइटनिंग टू USB का भी एक अडैप्टर पड़ा हुआ है मेरे बॉक्स के अंदर, तो यार मेरे को वो वाला अलग से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं होता नॉर्मली वाला। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को इस समय मिल जाता है तो। जो मेरा है, मैं निकालता हूँ अपना हिसाब किताब, थोड़ा वीडियो रॉ सी लगेगी आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, बट मेरे को मिल नहीं रहा है इस समय मेरा अडैप्टर। तो टेक्निकली ये अडैप्टर है ना, वो सब में लग जाना चाहिए, ये मेरा टाइप सी का अडैप्टर है तो इसमें लग जाएगा, मज़ा आ जाएगा अगर नहीं भी होगा तो। बाकी उसका अडैप्टर अलग से खरीदना पड़ता है, उसकी स्पीड भी स्लो है, और पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करता। तो यही थी यार आज की अपडेट, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओए, वीडियो बंद करने से पहले मिल गया, देखो ये है वो अडैप्टर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, चलता भी नहीं यार आधी बार, बड़ी दिक्कत देता है। बाय।